हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आई ए जोग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में फिजिकल जोग्राफी हम लोग देख रहे हैं इस फिज़िकल जोग्राफी में फ़िलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी के चैप्टर्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जो डिस्कस किया था वो अर्थ के इंटीरियर के बारे में डिस्कशन किया था और उसके बाद से हम लोगों ने उसके इवेल्यूशन और इवोल्यूशन के बारे में देखा था इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में और किस तरीके से माउंटेन बिल्डिंग होती है इसके अलावा जो हमारा टॉपिक होगा वो जियो सिंक्लाइन के टॉपिक्स होंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली पूछा जाता है तो फटाफट शुरू करते हैं लेटस स्टार्ट लेटस कंप्लीट लेटस क्रैक बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर अदर अदर कोर्सेज के लिए आप ई मेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं एडवांस जोग्राफी कोर्स ये फिफ्थ ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रही है इट विल बी अश कोर्स टाइप ऑफ कोर्स जहाँ पर एडवांस कंसेप्ट ऑफ इम्पॉटेंट रिफरेंस बुक्स और मैगजींस डिस्कस किए जाएंगे सिलेबस ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है इसमें हमने मोरलेस टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं जिसमें से लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट फिर उसके बाद से फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर आज हम लोग देखने वाले हैं जियोस इनक्लाइन के बारे में और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्लेट टेक्टोनिक ये ऑलरेडी हो गया है बचे हुए जो पोर्शन रिसेंट व्यूज ऑन द माउंटेन बिल्डिंग ये भी अगेन हम लोग आज ही के सेक्शन में करेंगे और जो वोल्कैनिसिटी है ये आपकी ऑलरेडी हो चुकी है तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्यूज़ ऑन द माउंटेन बिल्डिंग एंड जियोस इनक्लाइंड एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आइसोस्टेसी सिमिलरली थ्री टू फोर क्लासेज में आपकी ये पूरी की पूरी जियो मोर्फोलॉजी फिनिश हो जाएगी पैरलि आपकी पेपर टू भी चल रही है जहाँ पर एग्रीकल्चर के टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं तो वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि हम लोग फिफ्थ ऑफ नवंबर तक की पूरी की पूरी डिस्कशन को कंप्लीट कर लें आपकी पूरी ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी माउंटेन बिल्डिंग के बारे में अगर देखें तो वॉट एग्जैक्टली इज द माउंटेन माउंटेन या एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर रिलीफ स्ट्रक्चर्स होते हैं सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है हमारे पास सिस्टम्स एनालिसिस होती है जिसको कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था अपने पर्सपेक्टिव वाले टॉपिक में क्वांटिटेटिव रिवल्यूशन के दौरान में बेस्ड ऑन दैट हमारे पास अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं जैसे एक ओपन सिस्टम सेकेंड क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इसी तरीके से आइसोलेटेड या फिर कह लीजिए कि मिक्स स्ट्रक्चर एक तरीके का होता है अब यहाँ पर जब हम लोग स्ट्रक्चर्स को ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं देख रहे होते हैं साइक्लिक व्यू के हिसाब से तो उसको हम लोग ऑर्डर वाइज डिवाइड कर देते हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर एटसेट्रा तो जो माउंटेन होते हैं बेसिकली वो सेकेंड ऑर्डर रिलीफ स्ट्रक्चर्स होते हैं माउंटेन में हैव सेवरल फॉर्मेट किस किस तरीके से हो सकते हैं ये माउंटेन रिच के फॉर्मेट में हो सकते हैं या फिर माउंटेन चेन माउंटेन रेंज या फिर माउंटेन कॉल्डरलास के बारे में हो सकते हैं इन चारों के बारे में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो कि ऑलरेडी आप लोग अपने जीएस के सेक्शन में पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स के बारे में अगर बात किया जाए तो वी हैव डिफरेंट बेसिस बेस्ड ऑन दैट वी क्लासीफाई द माउंटेन्स जैसे हाइट के हिसाब से जहां पर आप लो माउंटेन रफ माउंटेन और हाई माउंटेन इस हिसाब से आप इसे क्लासीफाई कर सकते हैं यहाँ पर जो बेसिक रेफरेंस पॉइंट होती है वो होती है थाउजेंड मीटर थाउजेंड मीटर से स्टार्ट होती है और फिर ये मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड मीटर्स टू थाउजेंड मीटर इस तरीके से डिवाइड करके हम लोग इसे तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सेकेंड होती है बेस्ड ऑन द लोकेशन अब ये लोकेशन में आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं एक कॉन्टिनेंटल माउंटेन और सेकेंड ओशनिक माउंटेन विद इन कॉन्टिनेंटल माउंटेन अगेन आप दो पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं जैसे जो कोस्टल होते हैं जैसे कि रॉकीज या फिर इंडीज़ या दूसरे जो इनलैंड होते हैं जैसे कि हिमालय हो गया या फिर यूराल हो गया तो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम हो जाएगा थर्ड द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन किस तरीके से ये बन रहा है जैसे ओरिजिनल या फिर जिसे टेक्टोनिक भी बोल सकते हैं जिसके लिए क्लासिफिकेशन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बताया है इसके अलावा फोल्ड माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन या फिर डूम फोल्ड और ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इसकी टेक्निकलिटी को हम लोगों ने स्ट्राइक डेप एंड ऑल दैट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस कर रखा है इसके अलावा माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन जिसे हम वोल्केनिक माउंटेन के नाम से भी जानते हैं अब ये वोल्केनिक माउंटेन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं जैसे कंपोजिट वोल्केनो या फिर डूम शेप्ड या फिर शीट टाइप ऑफ माउंटेन या फिर प्लेटू इसके अलावा सरकम इरोजनल या फिर रेलिक माउंटेन भी होते हैं जो मल्टीपल साइकिल ऑफ इरोजन के थ्रू होकर के गुजर चुके हैं जिसके कारण से अब ये ओल्ड एज में आ गए हैं यानी कि अब इसमें केवल और केवल कहीं छोटे मोटे जगह पर केवल इसके रिमेन्स बचे हुए हैं जस्ट लाइक like अरावली जैसे डेली रिज हो गया दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो अरावली के केवल कुछ और कुछ ही पोर्शन जो होता है बचे हुए हैं जैसे आप जी में अगर गए हों तो वहाँ पर आप एक आपको अरावली के कुछ रिमेन्स मिल जाएंगे द क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो बींग डन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन जैसे प्री कैम्ब्रियन कैलेडोनियन हर्सिनियन या फिर एल्पाइन माउंटेन इनकी जो एरा होती है वो भी अलग होती है जैसे टॉशरी या फिर कैम्ब्रियन तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी होती हैं नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स जियो सिंक्लाइन क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है जियो सिंक्लाइन होता क्या है जियो सिंक्लाइन का मतलब होता है एक तरीके का डिप्रेशन इस डिप्रेशन के जरिए ही आगे जा करके माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर आर टू अपलिफ्टेड पोर्शन दिस इज नॉट माउंटेन दिस इज जस्ट अपलिफ्टेड पोर्शन और इसके बीच में यहाँ पर एक डिप्रेशन है तो ये एक तरीके से जो डिप्रेशन है इसे आप बोल सकते हैं कि ये एक जियो सिंक्लाइन है ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अपलिफ्टेड पोर्शन ही हो ये प्लेन सरफेस भी इस तरीके से हो सकता है एंड देन दिस अ डिप्रेशन एंड देन अल्टीमेटली अगेन अ प्लेन सरफेस तो ये भी एक तरीके से हो जाएगी आपकी जियो सिंक्लाइन ये जियो सिंक्लाइन सर्फेस के ऊपर में डिप्रेशन है जिसके कारण से ऊपर सेडिमेंट्स एंड वाटर बॉडीज आकर यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस वाटर बॉडी ऑब्वियसली इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और इस एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण से नीचे यह सबसाइड भी कर सकती है यहां पर सब्सिडेंस भी हो सकता है दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो टू एक्सप्लेन एंड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस जियोस इनक्लाइन जियोस इनक्लाइन के बारे में आप समझ गए होंगे अगली चीज आती है कि आखिर में यह जियोस इनक्लाइन पढ़ा क्यों जाए वॉट इज द रीजन टू डिस्कस दीज थिंग्स एक्चुअली दिस इज द बेसिक फॉर स्टडी ऑफ माउंटेन माउंटेन को पढ़ने के लिए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को पढ़ने के लिए जियो जियोसेंलाइन एक तरीके से आप समझ सकते हैं बेसिक यूनिट है जिसके थ्रू ही आगे जाकर के आप माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को पढ़ सकते हैं द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसेंस डिनोट द फैक्ट इन द बिगिनिंग आवर ग्लोब वॉज करेक्टराइज बाई टू इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से वो दो इंपॉर्टेंट थे एक था रिजिड मास जो कि पूरे के पूरे हमारे सरफेस पे फैला हुआ था और दूसरी थी जियो सिंक्लाइन एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आप ये सोच सकते हैं यह हमारी सपोज शुरू में कोई एक कॉन्टिनेंट है या आप इसे पेंजिया भी बोल सकते हैं ये पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट है और इस सुपर कॉन्टिनेंट के चारों ओर सुपर ओशियन है तो सुपर ओशियन एक तरीके से चारों ओर ये जो चारों ओर है एक तरीके से जियोसिनक्लाइन है अगर आप इसे फ्रंट व्यू के रूप में देखेंगे तो यू विल सी जस्ट लाइक दिस कि यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है जो कि सुपर कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है और फिर यहां पर डिप्रेशन है जिसपे वाटर बॉडी आ गई है तो ये जो दोनों डिप्रेशन हैं, ये एक तरीके से जियो कहलाएंगे आई गेस आप लोगों को विजुअलाइजेशन हो रही होगी थोड़ा सा अगर और इसके अंडरस्टैंडिंग की ओर जाए तो पेंगिया आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो गया था वन वॉज द अंगारा लैंड दिस इज अंगारा लैंड या फिर लॉरेंशिया भी बोला जाता है या दूसरा जो होता है आप इसे गोंडवाना लैंड जानते होंगे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में आपको पता होगा कि टेथिस सी थी टेथिस सी अब ये किस तरीके से दिख रहा है दिस इज अगेन जस्ट लाइक ये कॉन्टिनेंट है फिर डिप्रेशन है फिर कॉन्टिनेंट है ये क्या हो गया दिस इज लॉरेंशिया सपोज एंड दिस इज वॉट दिस इज गोंडवाना अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया टेथिस तो सीधी सी बात है बीच में डिप्रेशन होगा और यही डिप्रेशन जियो कहलाता है क्लियर थोड़ी सी यहां पर टेक्निकलिटी है लेकिन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स आगे अगर देखें तो जियोस इनक्लाइन अब जियोसिंक्लाइन होता क्या है ऑलरेडी आप समझ गए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर लेकिन अगर डेफिनेशन देखें तो जियो सिंक्लाइन एक लॉन्ग लेकिन नैरो पतला और शैलो वाटर डिप्रेशन होते हैं विच आर करेक्टराइज बाई सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस तो सेडिमेंटेशन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दी है दीज ऑल ऑल दीज थिंग्स विच आर एक्मुलेटेड हियर आर नोन एज सेडिमेंट्स और बिकॉज ऑफ दिस सेडिमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा एम लगेगा और इस एम का मतलब ग्रेविटी के कारण से जो भी फोर्स लग रही है और इस ग्रेविटी के कारण से अल्टीमेटली हमें सब्सिडेंस देखने को मिलेगी डेवलपमेंट ऑफ जियो सेंक्लाइन के बारे में अगर देखें तो वी हैव नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स एंड जियोग्राफर्स जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी हुई है जैसे हॉल एंडाना इन्होंने सबसे पहला एक कंसेप्ट दिया था जियो सिंक्लाइन का और जियो सिंक्लाइन के बारे में आप ब्रेन चाइल्ड अगर बोलना चाहें तो आप हॉल को बोल सकते हैं इन्होंने ही बताया था कि जितने भी माउंटेन्स हैं वो बेसिकली मरीन ओरिजिन के हैं एंड दे आर द सेडिमेंट्स ऑफ मरीन डिपॉजिट्स और यहीं से इन्होंने एक आइडिया लगाया था कि हो सकता है कि एक जियो सिंक्लाइन या एक डिप्रेशन रहा होगा और उसके बाद से इसी जियो के सहारे माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई होगी तो यहाँ से जो जियो की कंसेप्ट है जियो सिंक्लाइन का एक जो आइडिया था वो स्टार्ट हुआ था इसी आइडिया को फिर आगे जे ए स्टीयर्स ने आगे बढ़ाया इन्होंने अपनी थ्योरी दी सिमिलरली आगे हॉग ने एवान्स ने शूचर्ट ने और फिर आर्थर होम्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी इन सारी थ्योरीज के बाद अल्टीमेटली जो जियो सिंक्लाइन का एक कंसेप्ट था वो काफ़ी एडवांस वर्जन में आ गया था और इस एडवांसमेंट को फिर आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने पूरी पूरी सिस्टम को क्लियर किया था वन बाय वन करके अगर सारी जियोसिनक्लाइन थ्योरीज को अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले थ्योरी आती है हॉलण्ड डाना की हॉलण्ड डाना के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ये बेसिकली स्टार्टिंग फेज था यही वो ब्रेन चाइल्ड है तो डाना ने जितने भी फोल्ड माउंटेन्स थे उनको स्टडी किया और उन्होंने बोला कि ये सारे के सारे मरीन ओरिजिन के हैं दीज राट आर डिपॉजिटेड इन लॉन्ग नैरो एंड शैलो एरियाज और इस तरीके से इन्होंने जियोसिनक्लाइन को डिफाइन किया था कि जियो सिंक्लाइन एक लंबा पतला और शैलो सिंकिंग बेड ऑफ सी होती है या शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं कि ये एक डिप्रेशन है हॉल ने फिर इसी चीज को और क्लैरिफाई किया इन्होंने कहा कि द बेड ऑफ जियोसिनक्लाइन आर सब्जेक्ट टू सब्सिडेंस ड्यू टू कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि एक्स्ट्रा मास डिपॉजिट होते जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा डिपॉजिट सब्सिडेंस भी देखने को मिलेगा बट द डेफ ऑफ द वॉटर इन जियो सिंक्लाइन रिमेन द सेम अब यहाँ पर जो भी डिपोजिशन हो रही है नीचे सब्सिडेंस होते आ रही है सब्सिडेंस के कारण से लेकिन जो वाटर लेवल है वो वहीं का वहीं बना हुआ रहेगा क्योंकि वो इस पे आप पे डिपेंड नहीं करता है कि डिप्रेशन कितना है इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्चुअली द प्रेशर सिस्टम प्रेशर सिस्टम के हिसाब से इसकी जो हाइट है वो चेंज होती रहती है जियोस इनक्लाइन आर मच लॉन्गर देन देयर विथ्स या फिगर देख सकते हैं जहां पर वाटर का लेवल देखिए सेम है दिस इज द लेवल ऑफ वॉटर ऐसे वाटर के लेवल को दिखाया जाता है यहां पर पहले जो बेड था वो यहां कहीं था लेकिन फिर आगे सब्सिडेंस हुआ और सब्सिडेंस के कारण से फिर ये बढ़ गया सिमिलरली लगातार बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और इस गया। तो यह पर लगातार सेटमेंट डिपॉजिट होते गए तो ये लगातार यहाँ पर सब्सिडेंस का केस देखने को मिल रहा है वाटर का लेवल जहाँ था वहीं है बस उसकी जो डेप्थ है वो लगातार बढ़ती जा रही है एंड ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और इसी के कारण से पूरा सिस्टम डेवलप होते जा रहा है अभी आपको एक आइडिया नहीं लग रहा होगा कि आखिर में ये जियो सिंक्लाइन की थ्योरी माउंटेन बिल्डिंग कैसे कर रही है और अभी हम लोग एक्चुअल में डिस्कस कर भी नहीं रहे हैं अभी हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो बेसिकली जियो सिंक्लाइन की थ्योरीज को ही डिस्कस करना है इसी को अंडरस्टैंड करना है जियो सिंक्लाइन को समझने के बाद फिर हम लोग माउंटेन बिल्डिंग की ओर बढ़ेंगे और माउंटेन बिल्डिंग की सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो आती है हॉक की थ्योरी हॉक ने कहा कि जियो सिंक्लाइन आर रिलेटिवली डीप वाटर एरियाज एंड दे आर मच लॉन्गर देन दे आर वाइड तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि ये लॉन्ग होते हैं शैलो होते हैं एंड बेल्ट होती हैं दीज आर बेल्ट तो सीधी सी बात है ये वाइड रिलेटिवली कम होंगे एज कंपेयर जितना कि ये लॉन्ग है तो वाइडनेस इसकी कम होगी लॉन्गर ज्यादा होंगे लंबाई ज्यादा होगी इन्होंने फिर से कहा कि द पोजिशन ऑफ प्रेजेंट डे माउंटेन आर एक्चुअली कभी ये इस समय जियो रहे होंगे तो हॉग बेसिकली एक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी माउंटेन्स आज की डेट में हैं, एक समय वहां पर जियो रहा होगा एक डिप्रेशन रहा होगा जियो का मतलब केवल और केवल होता है डिप्रेशन दिस इज अ डिप्रेशन क्लियर आप सिंक्लाइन एंटीक्लाइन से इसको कंपेयर मत करिएगा दिस दैट इज हैविंग डिफरेंट मीनिंग जियोस इनक्लाइन का डिफरेंट मीनिंग होता है ऑल दो बोथ आर इंटरलिंक्ड बट एट प्रेजेंट टाइम आप इसे एक डिप्रेशन के फॉर्मेट में ही समझिए अकॉर्डिंग टू हॉग दे आर आर सिस्टमेटिक सडिमेंटेशन इन द जियोस इंक्लाइन जो लिटोरल मार्जिनस हैं यानी कि जो कोस्टल मार्जिनस हैं ऑफ द जियोस इंक्लाइन आर अफेक्टेड बाई ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन ऑफ द सी वॉट डज दैट दिस मीन्स देखिए सपोज यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई कॉन्टिनेंट है दिस इज कॉन्टिनेंट और फिर यहाँ से जो है ओशन बॉडी है तो ये एक तरीके से क्या हो गया डिप्रेशन और इस डिप्रेशन का मतलब क्या है इस डिप्रेशन का मतलब है कि ये एक जियोसिनक्लाइन है यहां पर मान लेते हैं कि वाटर बॉडी है यानी कि ओशियन का लेवल है अब आपको पता है कि जो ओशियन का लेवल है ये ट्रांसग्रेशन यानी कि इसका जो लेवल है उसमें चेंज आते रहता है क्यों आते रहता है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको पता है ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराएगी जब आपस में कोलाइड करेगी तो ओशियन प्लेट नीचे जाती है नीचे जाने के कारण अब ये सबडक्शन जोन में जाकर के टूट जाएगा डिटैच हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली वुलकैनिक इरप्शन अब यहां पर जो यहां पर वाटर लेवल है वो एक तो ये नीचे जा रहा है सरफेस उसके कारण से और दूसरा सरफेस फिर वापस से री इमर्ज भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द वल्कैनिक इरप्शन तो इस कारण से यहां पर ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन फेज ऑफ सी स्टार्ट हो जाएगा एंड इसी के कारण से फिर यहां पर जो वाटर लेवल है वो देयर इज अ चांस कि वो चेंज हुए हालांकि होता नहीं है बट स्टिल ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन की फॉर्मेट यहां पर ये फिनोमिना देखने को मिलती है इन्होंने पांच तरीके के रिजिड मास सिस्टम को आइडेंटिफाई किया था किसने हॉग ने एक नॉर्थ एटलांटिक मास दूसरा साइनो साइबेरियन मास थर्ड अफ्रीकन ब्राजील मास फोर्थ ऑस्ट्रेलिया इंडा इंडिया मिडागास्कर मास और लास्टली पैसिफिक मास इनकी फिगर भी आप लोग देख लीजिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द एरिया जहां पर इन्होंने इस पूरे के पूरे जीएस इंक्लाइन को आइडेंटिफाई किया था जैसे ये हो गई आपकी ये जो आप एरिया देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के पास में दिस इज नॉर्थ अमेरिकन नॉर्थ अटलांटिक कॉन्टिनेंट फिर इसी से आगे लिंक करके इन्होंने कहा दिस इज़ वाट दिस इज दिस इज एरिया इज पैसिफिक कॉन्टिनेंट फिर इसी तरीके से आगे इन्होंने इस लिंक को कहा अफ्रीकन ब्राजीलियन कॉन्टिनेंट सिमिलरली आगे ये जो एरिया बन रहा है ये साइनो साइबेरियन कॉन्टिनेंट और लास्टली ये जो पूरा का पूरा बेल्ट बन रहा है इसे इन्होंने बोला था ऑस्ट्रेलियन इंडियन मेडागास्कर कॉन्टिनेंट इनका कहना था कि देखिए ये जो एरियाज़ हैं ये एक्चुअल में मार्जिनल हैं या फिर कह सकते हैं आप कि ये लिटोरल मार्जिन ऑफ जियो सेंकलाइन है और यही वो एरियाज़ होंगे जहां पर हमें केवल और केवल माउंटेन बिल्डिंग मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर हमें रॉकीज़ मिलती हैं बिल्कुल सही बात है यहां पर हमें एंडीज़ मिलती हैं दिस इज़ अगेन करेक्ट यहां पर हमें और भी अलग अलग माउंटेन सिस्टम्स मिल जाते हैं किलीमानजारो एंड ऑल दैट यहां पर हमें मिल जाती है इंडिया में हिमालय मिल जाती है फिर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अराकान योमा एंड ऑल दैट यहाँ पर सिस्टम आ जाती है ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर सिस्टम आ जाती है फिर यहाँ पर भी हमें हर तरीके की माउंटेन मिल जाती है लेकिन अगेन बहुत सारे ऐसे ऐसे माउंटेन्स हैं जो यहाँ पर नहीं बताया गया है जैसे कि एपलेशन ही हो गया एप्लेशियन को इन्होंने डिस्कस नहीं किया एटलस को इन्होंने नहीं बताया इसके बाद से आप यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में नहीं बताया तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स थे जिसके बारे में इन्होंने डिस्कस नहीं किया है एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा जो जियो सिंक्लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एंड इस जियो सिंक्लाइन के कारण से जो भी हम लोग इस माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं ये माउंटेन बिल्डिंग एक्चुअल में केवल और केवल फोल्ड माउंटेन को ही डिस्कस करने के लिए बताई गई थी तो यहां पर जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है ये एक ब्लैक सॉरी ब्लॉक माउंटेन है हम लोग इसे डिस्कस इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं ये अलग चीज है तो जो जियोस इंक्लाइन है बेसिकली फोल्ड माउंटेन को ही डिस्कस करती है केवल और केवल उसी को ही अकाउंटेबल बनाती है नेक्स्ट थ्योरी आती है जे ए स्टीयर्स के बारे में इनकी जो बुक है उसका नाम है अनस्टेबल अर्थ कई बार कुछ एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं ही कंसिडर्ड जियोस इनक्लाइन एज इलोंगेटेड डिप्रेशन इलांगेटेड का मतलब इस तरीके से यही लंबा हो गया इलांगेटेड डिप्रेशन इन्होंने खाली वर्ड बदल दिया है दिस इज अगेन द लॉन्गेस्ट डिप्रेशन बिटवीन कॉन्टिनेंट Along like Mediterranean and Tethys Sea, geosyncline have been long relatively narrower depression characterized by sedimentation and sediments. इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं इस वीडियो के लेक्चर के शुरुआत से ही. The nature of geosyncline have not remained the same. हर समय सेम नहीं है क्योंकि ज्यूलॉजिकल हिस्ट्री अलग-अलग समय पे अलग-अलग होती गई है. जैसे फॉर एग्जांपल वेगनर की थ्योरी जब हम लोगों ने डिस्कस किया था उस समय हम लोगों ने एक चीज़ बोला था कि जितने भी एरियाज हैं उस एरिया में जो कॉन्टिनेंट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्यों क्योंकि हर जगह के जो क्लाइमेट हैं वो फिक्स हैं और अपने पोजीशन चेंज करने के कारण अलग अलग जगहों पे जब पहुंचा है तो अलग अलग क्लाइमेट इसने फील किया है बट क्या ये करेक्ट है क्या एरिया अपने क्लाइमेट को नहीं बदल सकता है तो ये एक ऐसी डिस्कशन है ये एक ऐसा डिबेट है जहां पर अभी भी डिबेट चल ही रही है और अगेन यहां पर जो है कुछ भी ऐसे कंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स जो कॉन्क्रीट रिमार्क है वो एस नहीं आया है दीज आर द मोबाइल जोन्स ऑफ द वॉटर जियो सिंक्लाइन आर जनरली बॉर्डर्ड बाई टू रिजिड मासस विच आर कॉल्ड फोर लैंड जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि ये सपोज ये हमारा मान लेते हैं कि जियो सिंक्लाइन है तो ये जो दो कॉन्टिनेंट है या जो दो लैंड मास हैं रिजिड मास है इन्हीं को बोला जाता है फोर लैंड इस फोर लैंड को आगे जब हम लोग कोबर के डिस्कस करेंगे कोबर की थ्योरी तो वहां पर इसका नाम बदल जाता है क्रेटोजन हो जाता है दैट हैज अ सेपरेट मीनिंग एंड सेपरेट टर्म आगे बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट जो जियोसनक्लाइन की थ्योरी है वो दी गई थी इवॉन्स के द्वारा इन्होंने कहा कि दे आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जैसे अभी केवल हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने जो लास्ट डिस्कशन किया यहां पर हम लोग ने देखा कि दो ही इन्होंने बताया है एक बताया है कि मेडिटेरेनियन के चारों ओर में या फिर टैथीसी के यानी इन्होंने जे ए स्टीयर्स ने केवल जियो सन्क्लाइन उन एरियाज में ही कंसीडर किया जहां पर दो लैंडमार्स हैं और बीच में जो है ओशियन है लेकिन इन्होंने इस तरीके के स्ट्रक्चर को नहीं देखा इस तरीके का स्ट्रक्चर मतलब ये मान लेते हैं ओशियन है और ये कॉन्टिनेंट है यानी कॉन्टिनेंट का ये मार्जिन है ऐसे स्ट्रक्चर कहाँ मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में जैसे रॉकीज है साउथ अमेरिका में जैसे एंडीज है क्लियर या फिर इंडिया में आ जाइए वेस्टर्न घाट है तो ये वो एरियाज हैं लेकिन इन्होंने स्टीयर्स ने इस चीज को कंसीडर नहीं किया था इसको केवल और केवल दो कॉन्टिनेंट के बीच में एक जियो संक्लाइन है केवल यही इन्होंने कंसीडर किया जबकि ये कंसीडरेशन भी ऐड की गई थी इवॉन्स के द्वारा यही इन्होंने कहा कि देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज लेकिन जो दो मेन चीज़ है वो है कि ये बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स होगी साथ ही साथ अलोंग द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट भी होगी तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रही होगी सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो हॉक के बारे में बात किया इन्होंने कुछ एरियाज कुछ लोकेशंस के बारे में बता दिया फिर हम लोगों ने स्टीयर्स के बारे में देखा जहां पर इन्होंने सिंगल एरिया बताया फिर हम लोगों ने इवानस के बारे में बात किया जहां पर इन्होंने कहा कि देर आर मल्टीपल लोकेशन उसमें से कॉन्टिनेंट एंड मार्जिनल ऑफ द कॉन्टिनेंट भी है ही ऑल्सो कंसिडर्ड जियोसिनक्लाइन अलॉन्ग द फूट ऑफ द माउंटेन अब जो माउंटेन का फूट है माउंटेन का जो तलहटी है वहाँ पर भी जियोसिनक्लाइन की पॉसिबिलिटी है जैसे नदन प्लेन और द इंटीरियर लोलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आकुपाइड जैसे मिसिसिपी रिवर जो मिसिसिपी मिसोरी रिवर है उसके एरिया के बारे में इन्होंने बताया कि हाँ दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जियो सिंक्लाइन तो इवान ने कई पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया था जिसमें से जो मेन है इंपॉर्टेंट है वाइड स्प्रेड है दैट इज बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स एंड कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे क्लियर इसके बाद से नेक्स्ट थ्योरी आती है शूचर्ट की थ्योरी दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शूचर्ट ने तीन पॉसिबिलिटीज बताई थी एक बताया मोनो सिंक्लाइन का सेकेंड पॉली सिंक्लाइन एंड थर्ड मीजो जियो सिंक्लाइन यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा कि इन्होंने जियो सिंक्लाइन की क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है एंड दिस इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इरोजन या फिर कह सकते हैं आप साइकिल नेचर से होकर के गुजर गई है जैसे मोनो नाम से ही पता चल रहा है दिस इज अंगल टाइप सिंगल ये एक सिंपल होगी अगर कोई चीज एक ही बार हुई होगी दिस इज ऑब्वियसली सिंपल ही होगी शेलो है स्मॉलर है नैरो है ये तो चीन चीजें आप आराम से समझ सकते हैं कि जियो सिंक्लाइन की थ्योरी में ही आती है तो जियोसिनक्लाइन सिंपल क्योंकि सिंगल हुआ है एंड दे हैव अंडरगोन ओनली वन टाइप ऑफ अपलिफ्टमेंट और यही है वन का मतलब मोनो का मतलब वन साइकिल ऑफ अपलिफ्टमेंट ये जो अपलिफ्टमेंट की चीज है ये हम लोग आगे जब डेविस की थ्योरी पेंग की थ्योरी डिस्कस करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ साइकिल ऑफ इरोजन साइकिल ऑफ अपलिफ्टमेंट ये सब आगे बात करेंगे फिलहाल दिस इज जस्ट टू शो यू कि वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ मोनोजियोस इंक्लाइन तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है फॉर एग्जाम्पल जैसे अपलेशियन हो गया दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ जियोस इंक्लाइन। सिमिलरली अगर हम लोग पॉली जियोस इंक्लाइन के बारे में बात करें तो पॉली दैट मीन्स मल्टीपल साइकिल दिस इज मल्टीपल साइकिल तो ऑब्वियसली ये सिंपल ना होकर के बिगर होगा फिर डीपर होगा कॉम्प्लेक्स होगी रिलेटिवली वाइडर होगी और दे हैव अंडरगॉन मोर देन वन साइकिल ऑफ अपलिफ्टमेंट अब ये कौन सी होंगी सीधी सी बात है इस पूरे के पूरे मोर देन वन साइकिल ऑफ इरोजन को लेने में सिंपल सी बात है टाइम लगा होगा टाइम लगने का मतलब है कि ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन वाले एरियाज होंगे जैसे अरावली एंड विंध्याज क्लियर फिर उसके बाद से होती है एक मीजो जियोस इंक्लाइन जो कि कहीं बीच का होगा यानी ये बिगेस्ट है क्योंकि इसमें अभी फिलहाल इरोजन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है कि आप पॉली जियोसिनक्लाइन करके इस पूरे सिस्टम को खत्म कर सकें तो दिस इज बिगेस्ट मोस्ट एक्सटेंसिव मच डीपर एंड देयर फ्लोर में हैव द ओशियन बसाल सो वेन दे अपलिफ्ट दे फॉर्म हाई माउंटेन्स जैसे कि टेथिस सी मेडिटेरेनियन सी इनके आसपास के जो एरियाज हैं जैसे हिमालय हो गया तो ये बेसिकली यहाँ पर मीजो जियो सिंक्लाइन की पूरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां से आपको एक दिख रहा होगा कि इन्होंने क्लासीफ किया था जियो सिंक्लाइन को बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड फिनोमिनाज उनके हिसाब से इन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिवाइड करने की कोशिश की तो शूचर्ट की जो क्लासिफिकेशन थी कहीं कही ना कहीं एक ठीक थी लेकिन अगेन इनकी जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस इन्होंने इससे रिस्पेक्ट में बताई वो कहीं कही ना कहीं उसमें प्रॉब्लम थी खामियां थी आगे नेक्स्ट आती है जियो सिंक्लिनल थ्योरी बाय आर्थर होम आर्थर होम का नाम आप लोगों ने सुना होगा कहाँ पर कन्विक्शन करेंट के बारे में कन्वेक्शन करेंट ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कशन कर रखी है सो हाउ इज दिस जियो सिंक्लाइन थ्यूरी कैसे ये जियो सिंक्लाइन थ्योरी अर्थर होम से रिलेटेड है अब जरा यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बिकॉज वी आर नाउ टेकिंग दिस माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कॉन्सेप्ट हियर हालांकि इसको अभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया क्या आखिर में सिस्टम एंड हाउ दिस जियो सिंक्लाइन इज एक्चुअली रिलेटेड विद माउंटेन बिल्डिंग ये भी आप यहीं पर समझ जाएंगे तो इसके बारे में जरा फटाफट डिस्कस करते हैं क्या चीज है देखिए एक साहब थे जिनका नाम था हिराल जाफरी दिस इज हिराल्ड जाफरी हिराल्ड जाफरी ने ही बोला था कि जो हमारा अर्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है दिस इज कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी इन्होंने दिया था इस कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का मतलब ये था कि सपोज दिस इज आवर अर्थ मान लेते हैं कोई यह हमारा अर्थ है ये अर्थ काफी ज्यादा पहले गर्म रहा होगा हॉट रहा होगा विद द टाइम क्या हुआ होगा इसकी कूलिंग स्टार्ट हो गई होगी इस कूलिंग के कारण से क्या होगा जब आप किसी चीज को हॉट करेंगे सीधी सी बात है वो एक्सपैंड करता है दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स जहां पर अल्फा ये एक एक्सपेंशन कॉन्स्टेंट होती है एक्सपेंशन कॉन्स्टेंट इनफैक्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एल इज इक्वल्स टू एल प्लस एल डैश या डेल्टा एल अल्फा डेल्टा टी कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से ये सिस्टम होता है नाउ यहां पर क्या सिस्टम है यहां पर ये यह एक्सपेंड कर गया एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा सपोज आप इसे कूल cool करेंगे तो अब क्या होगा ये जो एक्सपेंशन हो रखी थी वो आप कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा सपोज अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो फ्लैक्सीबल होने की कोशिश करेगा मतलब ये थोड़ा सा अपनी जो लेंथ है उस लेंथ से बढ़ करके कुछ L-डैश बन जाएगा लेकिन अगर ये ब्रिटल है ठंडा करने पे क्या होगा ये ब्रेक कर जाएगा क्योंकि वो अपनी पोजीशन जो पुरानी पोजीशन से उसे ही रीगेन करने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से वो ब्रेक कर सकता है जो हमारा सरफेस है वो क्या करेगा पहले मान लेते हैं कि दिस इज द अर्थ एंड दिस इज सपोज आउटर मोस्ट लेयर जो कि एक्सपैंड होकर के रखी हुई है जब इसे कूल cool करेंगे तो क्या होगा इट विल ट्राई टू स्ट्रेच जब ये स्ट्रेच करेगी तो क्या होगी अपनी पोजीशन सपोज ये टू पाई आर है यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है 2 पाई आर है ये टू पाई आर अपने पाई डैश पे जाने की कोशिश करेगा जहां पर आर इज एक्चुअली ग्रेटर देन आर डैश वन सेकेंड दिस इज ग्रेटर देन आर डैश अब क्या होगा ये जो सरफेस है वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आना शुरू होगा यहाँ से नीचे फिर ऊपर नीचे से ऊपर तो इस तरीके से आना शुरू होगा क्यों क्योंकि कुछ एरिया फ्लेक्सीबल बन चुका है कुछ एरिया अपने बॉन्ड को अपने पुरानी पोजीशन को नहीं छोड़ रहा है तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पर एक तरीके से बबल टाइप के स्ट्रक्चर आ जाएंगे या फिर आप बोल सकते हैं कि अपनी एक पपड़ी छोड़ दिया है अब ये पपड़ी छोड़ेगा तो क्या होगा एक तरीके से ये क्या है फोल्ड माउंटेन एक तरीके से फोल्ड माउंटेन इन्होंने इसे फोल्ड माउंटेन बोला था हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं था बाद के जो कंट्रीब्यूटर्स थे और इनफैक्ट इस समय के जो कंट्रीब्यूटर्स थे जोग्राफर्स थे उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया था कि इस तरीके की प्रोसेस कभी भी फोल्ड माउंटेन टाइप की मतलब 8000 मीटर टाइप की कोई माउंटेन नहीं बना सकती है लेकिन खैर इन्होंने ऑर्थर होम ने यही थ्योरी दी थी अब इसके बाद से क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इस कॉन्ट्रैक्शन के पीछे आखिर प्रोसेस कौन सी हो रही है प्रोसेस कौन सी है इन्होंने कहा कि प्रोसेस देखिए कन्वेक्शन करेंट है कन्वेक्शन करेंट इनफैक्ट हम लोग अभी आगे बात भी करेंगे एक थे साहब जिनका नाम था जॉली उन्होंने भी इस पूरे के पूरे के सेम को ही यूज किया था और इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का ही इस्तेमाल किया था इन्होंने कहा कि देखिए जो कॉन्ट्रैक्शन करंट है इस कॉन्ट्रैक्शन करंट के कारण से देखिए यहां पर सॉरी दिस कन्वेक्शन करंट के कारण से यहां पर बबल्स ऊपर जाएंगी या फिर कह लीजिए कि जो करंट है वो ऊपर जाएगी करंट के ऊपर जाने के कारण ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर डाइवर्ज कर जाएगी एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा और ये डिप्रेशन ही बेसिकली क्या है जियो है दिस इज जियो एंड दिस इज अगेन मान लेते हैं आगे जाकर के अगर ये नीचे जा रही है ये ऊपर जा रही है तो अगेन यहाँ पर एकॉर्ड जियो सिंक्लाइन बन जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जियो सिंक्लाइन स्ट्रक्चर्स लगातार देखने को मिलेंगे एंड दिस इज द थिंग जो कि आर्थर होम ने बोला था तो आई गैस आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी इरेज करते हैं तो यहाँ पर जो आर्थर होम थे इन्होंने एक पूरी डिटेल्ड प्रोसेस के बारे में बताया और मैकेनिज्म के बारे में बताया कि आखिर में ये जो माउंटेन बिल्डिंग है जिसे ओरोजेनिस भी बोला जाता है ये आखिर में हो कैसे रही है हाउ द सब्सिड जो सडिमेंटेशन है सब्सिडेंस है कंसिक्वेंट जो माउंटेन बिल्डिंग हो रही है वो आखिर में हो कैसे रही है ये सारी चीजें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड फॉर्मेट में हमारे सबसे पहले आर्थर होम ने बताई थी और उसके पीछे कारण यही था कि इनके पास अपना एक आइडिया था आइडिया ऑफ कन्वेक्शन करेंट अब इनके पास अब जैसे आपके पास अगर कोई भी आइडिया होता है तो आप क्या करते हैं यू स्टार्ट रीजनिंग विद द हेल्प ऑफ दैट आइडिया द सेम थिंग हैज बिन डन बाय दिस थर होम इन्होंने भी अपने सेम आइडिया को यूज किया था इन्होंने कहा कि देखिए जो सेडिमेंट है ये आगे सब्सिडेंस को लीड करेगा एंड दिस इज वेरी कॉमन दिस इज वेरी जनरल कि कहीं पर भी अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा वो दब जाएगा वहां पर एक प्रेशर पड़ने के कारण से गड्ढा बन जाएगा और वही गड्ढा सब्सिडेंस है बट दिस प्रोसेस कैन नॉट अकाउंट फॉर ग्रेटर थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स इन जियोसिनक्लाइन सिंक्लेन अर्थ मूवमेंट कैन कॉज सब्सिडेंस इन्होंने कहा कि देखिए कितना भी आप प्रेशर लगाएंगे लेकिन जो अर्थ का इंटीरियर वो अपने आप में बहुत मजबूत है और बहुत लेयर्ड है डिप्रेशन अगर आएगी भी कहीं पर तो छोड़ी मोड़ी आएगी आधे किलोमीटर एक किलोमीटर तक आ सकती है बट दिस इज नॉट जनरल कि आप आठ हजार किलोमीटर तक नीचे डिप्रेशन बना के रखे हुए हैं तो दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड देयर इज समर फिनमिनॉज ऑल्सो विच आर वर्किंग और ऐसा इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इनके पास जियो सिंक्लाइन यानी कि कन्वेक्शन करंट की, की थ्योरी पड़ी हुई थी और यह कन्वेक्शन करंट की थ्योरी बेसिकली अर्थ के मूवमेंट के जरिए था द फॉर्मेशन ऑफ जियो ड्यू टू मैग्मा और इस मैग्मा के कारण इन्होंने अपने इस पूरे के पूरे लेयर को या फिर कन्वेक्शन करंट को चार पार्ट में डिवाइड किया जिसमें से एक है जिसे ग्रैंड आय बोला गया था और यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज आउटर मोस्ट सबसे बाहर की फिर एम है फिर इकोलगाइट एंड दस लास्ट में पेरेडोटाइट है जो टॉप थ्री है इसे आउटर क्रस्ट बोला जाता है या फिर बोल दीजिए कि ये जो होता है इन, आ, बाहर की एरिया है जो पेरिडोटाइट है ये इंटीरियर का पार्ट है आप इसे समझ भी सकते हैं कि ये एक बसाल्टिक मटेरियल है और जो जितने ऊपर के मटेरियल्स हैं ये बसाल्ट से हालांकि यहाँ पर भी बसाल्ट का परसेंटेज है लेकिन ये बेसिकली ग्रेनाइट तक जा रही हैं तो दिस इज हाउ डेंसिटी आपकी जो होती है वो लाइट होती जा रही है और डेंसिटी लाइट होने के कारण ही ये बाहरी सरफेस की ओर मिलता जाएगा क्लियर आगे बढ़ बढ़ते हैं आगे अगर देखेंगे तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ द जियो इनक्लाइन एंड दिस इज ड्यू टू कंप्रेशन कॉज्ड बाई कन्वेक्शन कन्वर्जिंग कन्वेक्शन करेंट अब ये वो कही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जेफरी साहब ने बताया था और यही कॉन्ट्रैक्शन अल्टीमेटली कंप्रेसिव फोर्स बनती है और यही कंप्रेसिव फोर्स आगे जाकर के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यानी कि मेटामोरफाइज कर देगी और अल्टीमेटली ये फोल्ड माउंटेन्स बना देगी तो दिस इज हाउ जियो सिंक्लाइन विल टर्न इन टू अ फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन ऑफ जियोसिनक्लाइन टू कंप्रेशन कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जैसे पर्शियन गल्फ हो गई एक तरीके से इंडो ट्रफ हो गई फॉर्मेशन ऑफ जियोसो इंक्लाइन ड्यू टू थीनिंग ऑफ सियालिक लेवर थीनिंग ऑफ सियालिक लेवर का मतलब कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो पतली होती जा रही है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्जिंग प्लेट यानी कि कन्वेक्शन करेंट के कारण से टू पॉसिबिलिटीज आर देयर एक हो सकती है जो कन्वर्ज कर रही है और इस कन्वर्ज करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर कंप्रेशन जनरेट होगी और इस कंप्रेशन के कारण से कॉन्ट्रैक्शन और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण से अल्टीमेटली फोल्ड माउंटेन्स दूसरा डाइवर्जिंग हो सकती है दोनों ही हो सकता है ना एनी टाइप ऑफ कन्वेक्शन करंट कैन हैपन यहाँ पर क्या है कि ये डाइवर्जिंग हो रही है और इस डाइवर्जिंग के कारण से क्या होगा कि सरफेस में अब दरारें आनी शुरू हो जाएंगी और इन दरारों के कारण से क्या होगा कि अब टेंशन फोर्स एंड दिस इज़ वाई थिनिंग ऑफ सियाली क्लेयर देखिए यहाँ पर पहले कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था अब ये बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जिंग नेचर अब ये थिन हो गया है अब ये सरफेस केवल इतना ही रह गया है थिन हो गया है क्लियर हो गया क्या चीज है ओके okay. अगली थ्योरी दी जाती है जियोस इंक्लाइन थ्योरी बाय स्टाइल ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है इन्होंने भी काफी हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड किया था एक था जिसे मायो जियोस इनक्लाइन बोला जाता है और दूसरी थ्योरी बोली जाती है ई जियोस इनक्लाइन माओजियोस इनक्लाइन दिस रिलेटेड विद अ कॉन्टिनेंट एंड जो ई जियोस है ये ओशियन से रिलेटेड है तो जो माओस इनक्लाइन है इन्होंने इसमें स्मॉलर बोला शेलोअर बोला एंड दिस इज टूअर्ड्स कॉन्टिनेंट दीज मोर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स एंड सिंस सेडिमेंट्स आर फ्रॉम कॉन्टिनेंट इसलिए ये फेल्सिंग नेचर के होंगे हार्डर होंगे कोर्स होंगे टेक्सचर्ड सेडिमेंट्स होंगे वही अगर ओशन के साइड में चले जाएंगे तो ये स्मॉलर बिगर हो गया शेलोअर डीपर हो जाएगा टुअर्ड्स ओशियन से टूअर्ड्स ओशियन हो जाएगा टुअर्ड्स कॉन्टिनेंट से एंड सेडिमेंट्स विल बी फ्रॉम द ओशियन साइड अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स डीप से डीप वाटर सेडिमेंट फ्लाई यश हैं दे कैन हैव कैनिक्रप्शन एंड सेडिमेंट्स डिराइव फ्रॉम बसाल रॉक या जिसे हम ओफियोलाइट भी बोल सकते हैं क्लियर हो गया क्या चीज़ है तो आपको एक जियो सिनक्लाइन थ्यूरी भी आपको समझ में आ जा रही होगी इन और इजियोस इनक्लाइन आर सेपरेटेड बाई वन सिंगल स्मॉल एंटीक्लाइन जिसे हम जेंटीक्लाइन भी बोलते हैं दिस मीन देखिए सपोज मान लेते हैं यह हमारा सरफेस है एंड दिस इज हाउ द थिंग आर सेपरेटेड ठीक है हालांकि आई गेस ओके देर इज नो फिगर तो कोई बात नहीं मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको देखिए यहां पर क्या है कि सपोज मान लेते हैं कि ये एक जियोस इंक्लाइन यहां पर बनी हुई है इस जियो सिंक्लाइन में यहां पर कॉन्टिनेंट है एंड दिस कॉन्टिनेंट इज नेम्ड वॉट इस कॉन्ट्रेंट को हम लोग बोलते हैं मायो जियोसिनक्लाइन और यहां पर ये इो जियोसिनक्लाइन है इन दोनों के बीच में देखिए एक छोटी सी ये जो होती है मार्जिनल रिज टाइप की बनी हुई है और इसी को बोलते हैं हम लोग जेंटीक्लाइन क्लियर तो यहां पर क्या है मायो जियोसिनक्लाइन और यो जियोसिनक्लाइन को सेपरेट करता है एक छोटी सी एंटीक्लाइन होती है जिसे हम जेंटीक्लाइन बोल सकते हैं क्लियर तो ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली स्टाइल ने क्या बोला हुआ है स्टाइल की जो क्लासिफिकेशन थी ऑफ द एव जियो सिंक्लाइन वॉज इन रिस्पेक्ट टू डिस्कस दिस एप्लेशन ऑफ द यूएस क्योंकि इसे किसी ने भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया था सब लोग इसे इग्नोर करते चले आ रहे थे तो उन्होंने इसी को ही फोकस करते हुए बोला कि देखिए यहां पर सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके का है एंड द सिस्टम इज एक्चुअली यूनिवर्सल टू एवरीवेयर विद एट कोर्स एंड फाइन सेडिमेंट ऑफ द डिफरेंशिएटेड एंड ईस्टर्न रेंज ऑफ इज मोर ऑफ फ्लाइस एंड ऑफ योर लाइट यूट्स इन पूरी थ्योरीज के बारे में जो हम लोगों ने जियोस इनक्लाइन को डिस्कस किया इससे रिलेटेड फॉर द माउंटेन बिल्डिंग की भी थ्योरीज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी अलग है इसमें से कुछ थ्योरीज तो सही हैं कुछ थ्योरीज गलत भी हैं जैसे कि एक थ्योरी अभी हम लोग देखेंगे डेली की थ्योरी डेली की थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा खामियाँ थी और इनफैक्ट इनका फंडामेंटल ही गड़बड़ था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन इज़ मच कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट हाइपोथिस एंड थ्योरीज हैव बिन गिवन अब ये कौन कौन सी हैं जो फुल्ड माउंटेन को एक्सप्लेन कर रही हैं इसमें से इंपॉर्टेंट वन इज द कोबर्स थ्यूरी कोबर की थ्यूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिस्टमैटिक है इनफैक्ट यहाँ पर ये चीज़ कंक्लूड किया जा सकता है कि कोबर वो पहले आदमी थे पहले जोग्राफर थे जिन्होंने माउंटेन बिल्डिंग के इस पूरे के पूरे सिस्टम को पूरे के पूरे जो भी इसके पीछे फिजिक्स या फिर ज्योग्राफी है उसको इन्होंने स्टेज वाइज क्लासिफाई किया हुआ था सेकेंड जो थ्योरी आती है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जेफरी हालांकि अभी हम लोगों ने इसका डिस्कशन भी किया हुआ है छोटा सा डिटेल में अभी देखेंगे भी नेक्स्ट जो थ्योरी आती है डेली की थ्योरी जिसे स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी ऑफ डेली बोलते हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा था कि दिस इज द मोस्ट फ्रॉड थ्योरी नेक्स्ट थर्मल कन्वेक्शन करेंट थ्योरी ऑफ ऑथर होम्स नेक्स्ट वन रेडियो एक्टिविटी थ्यूरी ऑफ जॉली और फिर उसके बाद से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये देखिए थ्योरी जो लिखी गई है दीज आर सिक्वेंशियल इन नेचर मतलब कि पहले कोबर की थ्योरी आती है फिर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है फिर स्लाइडिंग थ्यूरी है फिर उसके बाद से ये बाकी थ्यूरीज भी आगे आती गई हैं ये सिक्वेंशियल में इसलिए भी हैं क्योंकि इससे ही आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आखिर में डेवलपमेंट्स होती गई हैं बिकॉज द डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन फैक्ट यू शुड हैव अ क्लियर डिमार्केशन हाउ दीज थ्यूरीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी डिटेल में भी हम लोग देखेंगे कंपेयर करते हुए देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोबर्स थ्यूरी के बारे में कोबर थ्यूरी आपको ध्यान में ये रखना है एक चीज जियो सिंक्लाइन होगी क्योंकि उस समय जियो सिंक्लाइन वॉज द मेन आइडिया बिहाइंड रीजनिंग फॉर माउंटेन बिल्डिंग तो एक तो जियो सिंक्लाइन और इस जियो सिंक्लाइन के थ्रू ही माउंटेन बिल्डिंग होने वाली है तो दिस इज माउंटेन बिल्डिंग एंड दिस इज जियो सिंक्लाइन तो ये आपको ध्यान में रखना है बेसिक आइडिया ये पहले आदमी थे जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा ही वॉज द फर्स्ट वन टू सजेस्ट अ प्रॉपर मेकेनिज्म इन स्क्वाशिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ जियो सिंक्लाइन सिडिमेंट इसके लिए उन्होंने पूरी थ्योरी अपनी बताई थी इनकी थ्योरी को बोला जाता है जियो सिंक्लिनल ओरोजेनी थ्योरी ओरोजेनी का मतलब आप लोग समझ के रखिएगा दिस इज माउंटेन बिल्डिंग दिस इज माउंटेन बिल्डिंग क्लियर हो गया क्या चीज है इन्होंने कहा कि देखिए जो अभी हम लोगों ने बात किया था फोरलैंड के बारे में जो फोरलैंड है बेसिकली इसे क्रेटोजन भी बोला जाता है और ये क्रेटोजन इन्होंने कोबर नहीं अपनी टेक्निकल नाम दिया था इन्होंने कहा कि देखिए जो यूस है इट गेट्स स्क्वास्ड एंड कंप्रेस्ड बाई क्रेटोजन तो जो यहाँ पर फोरलैंड है मान लेते हैं जियो सिंक्लाइन एंड यहाँ पर मान लेते हैं सिस्टम है तो ये जो अपलिफ्टेड पोर्शन है जिसे हम लोग फोरलैंड बोल रहे हैं या फिर इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्रेटोजन दिस इज़ करेटोजन यहीं से एक्चुअली क्या है कि इरोज़न होगा इरोजन मतलब कि विंड है एक्सटर्नल एजेंट्स हैं लैंडस्लाइड हो रही है कुछ भी हो सकता है तो ये जो यहाँ पर हमारा जियो सिंक्लाइन है यहाँ पर ये मटेरियल आकर के इकट्ठा होते जाएगा इकट्ठा होते जाएगा और ये सेडिमेंट से यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे और इसके कारण से जो भी स्क्वास्ड मटेरियल है यानी जो भी सेडिमेंट मटेरियल है ये कंप्रेस होते जाएगा कहाँ पर जो डिप्रेशन है या जो आपकी जियोसिंकलाइन है यहाँ पर ये कंप्रेस होते जाएगा एंड बिकॉज क्रेटोजन जो है वो एक हार्ड डिजिट कॉन्टिनेंट है सीधी सी बात है इसका जो मटेरियल हो, होगा भी काफ़ी कोर्स होगा काफ़ी वेटी होगा मतलब कि कह लीजिए काफी ज्यादा हाई वेट का होगा इसके बाद से जो कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अर्थ जिसके कारण से वही पपड़ी वाला सिस्टम जो अभी हम लोगों ने हेरल जफरी के बारे में देखा था उसके कारण से फिर क्या होगा कि एक तरीके से ये कॉम्प्रेसिव फोर्स फील कर रहा होगा और उस कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण से क्या होगा सपोज दिस इज द मेन थिंग और यहां से ये टूट टूट करके नीचे जाकर के इकट्ठा होते जा रहा है दीज आर द सेडिमेंट्स दिच आर डिपॉजिटेड हियर लगातार यहां पर कंप्रेसिव फोर्सेस भी लग रहे हैं एंड प्लीज माइंडेड दीज कंप्रेसिव फोर्सेस आर नॉट कन्वेक्शन करंट। ये कन्वेक्शन करंट नहीं है इनफैक्ट अभी कन्वेक्शन करंट की जो थ्योरी है कन्वेक्शन करंट का जो आइडिया है वो अभी इस पृथ्वी पर आया ही नहीं है वो अभी ऑर्थरों हम हमारे बाद में आएंगे बाद में आएगा यह पूरा सिस्टम ठीक है तो दिस इज डिफरेंट दिस इज दिस इज हैविंग अ सेपरेट स्टडी अब यहां पर क्या है लगातार ये कॉम्प्रेशन आ रही है ये कॉम्प्रेशन हमारी आ रही है इस कॉम्प्रेशन के कारण से क्या होगा एक्सफोलिएशन एक्सफोलिएशन यानी कि जो पपड़ी वाला सिस्टम है वो पपड़ी वाला सिस्टम आना शुरू हो जाएगा एंड दिस इज हाउ दिस डिप्रेशन विल अल्टीमेटली गेट्स अपलिफ्टेड एंड फॉर्म द माउंटेन और इस पूरे के पूरे सिस्टम को कोबर ने ही डिस्कस किया था अपनी अलग अलग स्टेज में हाउ आर कोबर थ्योरी वॉज नॉट एग्जैक्टली सेम एज हेरोल्ड जॉफ्री थ्यूरी हेरोल जॉफ्री ने क्योंकि कहीं पर भी डिफ्रेंशिएटेड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन के बारे में नहीं बताया था उन्होंने बस बोला था कि ठीक है ये आप लिफ्टमेंट हो जाएगी एक्सफोलिएशन हो जाएगा पपड़ी जम जाएगी एंड अल्टीमेटली फोल्ड माउंटेन विल इमर्ज बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम विथ द कोबर थ्यूरी कोबर ने डिफ्रेंशिएट किया था अलग अलग चीजों को और इन्होंने फाइव टाइप ऑफ फाइव स्टेजेस बताया था अपलिफ्टमेंट के लिए एक जियो सिंक्लिनल स्टेज है सेकेंड लिथीफैक्शन है थर्ड टेक्टोजेनिक है ओरोजेनिक और लास्टली ग्लिप्टोजेनिक स्टेज है वन बाई वन करके अगर डिस्कस करें तो जो हमारी जियो सिंक्लिनल स्टेज है यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो जियो सिंक्लाइन है बेसिकली पहले वो डेवलप होगा ये डेवलप हो जाएगा यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हमारा बन जाएगा तो यहां पर ये जो हमारा है दिस इज स्क्रेटोजेन यहाँ पर ये हमारा है क्रेटोजन कुत्ता रहा है। ओके, आवर दिप्रेशन एंड मतलब क्या है यहां पर इरोजन स्टार्ट हो गई है इरोजन के कारण से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे तो यहां पर बेसिकली क्या है कि यह पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर सेडिमेंट के रूप में नीचे जाते हैं जाएगा तो दिस विल डिपॉजिट हियर कहां पर यहां पर जो हमारा डिप्रेशन है या फिर हमारा जो जियोसेंट्लाइन है इसके बाद से क्या होगा टेक्टोजेनिक टेक्टोजेनिक का मतलब मेटामॉर्फिज्म दिस इज मेटामॉर्फिज्म मेटामॉर्फिज्म का मतलब अब ये यहां पर दबाव देना शुरू करेगा दिस इज गोइंग टू बी व्हाट दिस इज गोइंग टू बी लाइक सिक्वेंशियल या फिर कह लीजिए कि अब ये सबमर्ज होना शुरू हो जाएगा सबमर्ज ठीक है इस सम्मर्ज होने के कारण से क्या होगा कि ऑब्वियसली अब कॉम्प्रेसिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा दिस इज कॉम्प्रेसिव फोर्स और ये कॉम्प्रेसिव फोर्स बेसिकली किसके कारण से है ये कॉम्प्रेसिव फोर्स यही थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के कारण से है तो आप बोल सकते हैं दिस इज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन नेक्स्ट में जाएगी ओरोजेनिक स्टेज इस ओरोजेनिक स्टेज में क्या होगा कि यहीं से बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी दिस इज माउंटेन बिल्डिंग और यहीं से आपका जो सिस्टम है वो फोल्ड माउंटेन डेवलप कर जाएगा क्लियर अब ये फोल्ड माउंटेन डेवलप कर गया तो ऐसा तो है नहीं कि एक्सटर्नल फोर्सेस खत्म हो गए यहां पर लगने अभी भी लगेंगे तो ग्लिप्टोजेनिक स्टेज में यहां पर जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं ये एक्सटर्नल एजेंट्स वर्क करेंगे यहां पर इरोजन स्टार्ट हो जाएगी एंड दिस इरोजन विल अल्टीमेटली गिव अ डिफाइंड शेप डिफाइंड शेप टू किसे लैंडफॉर्म को यानी लैंडफॉर्म यहां पर कौन सा है यहां पर है फोल्ड माउंटेन का लैंडफॉर्म क्लियर यहां पर इन्होंने कुछ अलग अलग सिस्टम बनाए थे इसको मैं रेस कर रहा हूं इन्होंने कुछ टेक्निकल नेम्स थे जैसे रैनकेटन रैनकेटन इन्होंने बोला जो पैरल रेंज है फॉर्म्ड ऑन ईदर साइड ऑफ जियो सिंक्लाइन तो उसे ही इन्होंने बोला रैन किट्टन टेक्निकल नेम है याद रखिएगा इसके अलावा कुछ और कोई काम नहीं है ज्विस चिंग बेर्ग ये इन्होंने बोला था अब, आ, जो अनफोल्डेड मिडिल पोर्शन है अभी क्या चीज़ है अभी फिगर फिगर में आपको दिख जाएगा तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो दिस इज बेसिकली फोरलैंड दिस इज फोरलैंड इस फोरलैंड के बीच में आप देख सकते हैं दिस इज रैन किट्टन रैन किट्टन यानी कि पैरल नेज ऑन ईदर साइड ऑफ जियो सिंक्लाइन जो मिडिल पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा दिस इज बेसिकली ज्वेस चैंग बर्ग सिमिलरली यहां पर भी सारी चीजें वही यहां पर हैं लेकिन इसकी थोड़ी सी अगर हम लोग एक कंपेरेटिव स्टडी करें तो कंपेरेटिव स्टडी यहां पर आपको देखने को मिलेगी दिस इज द जियो सिंक्लाइन ये है वो जियो सिंक्लाइन या फिर आप बोल सकते हैं जो डिप्रेशन है यहां पर आपको दिखेगा दिस इज द फोरलैंड सिस्टम यहां पर ये मार्जिनल रेंज है ये मार्जिनल रेंज है बीच बीच में ये सिस्टम है अगर इसका वही अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिस्टम दिख जाएगा कि ये आपका जो है वो डिप्रेशन है जैसा कि यहाँ डिप्रेशन है वही यहाँ पर भी डिप्रेशन है जो मीडियन मास है वहाँ पर ये आपको दिख गया होगा कि ज्विस चैंग बर्ग है यहाँ पर सिमिलरली जो यहाँ पर बीच बीच में पैरल रेंजेज आ गई हैं वो पैरल रेंज ही यहाँ पर रेंट के है एंड दीज आर द थिंग्स तो आई गेस आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बेसिकली इनके जो टेक्निकल नेम्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे कोबर की थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कोबर की थ्योरी में आपको एक चीज़ बहुत ही बेसिक है वो याद रखना यही है कि इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था पहली चीज़ दूसरी चीज़ उन्होंने बोला था कि जो यहाँ पर फेज़ वाइज चेंज होगा उसको इन्होंने यहाँ पर क्लासिफाई किया हुआ था अब जो कोबर की थ्योरी है पूरी तरीके से करेक्ट भी नहीं है पूरी तरीके से रॉन्ग भी नहीं है इनके मेरिट्स भी हैं और इनके डिमेरिट्स भी हैं मेरिट्स ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया कि ये साइंटिफिक है फेज़ वाइज इन्होंने चेंज बताया था टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में बताया था एरिया ऑफ द माउंटेन के बारे में बताया था एंड टेक्निकल नेम्स जो भी दे सकते थे उन्होंने वो दिया था बट वाट इज़ द प्रॉब्लम हियर द प्रॉब्लम इज कि इन्होंने इनका जो फंडामेंटल था यानी कि जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी इन्होंने बात किया वो अपने आप में ही गलत कंसेप्ट था क्योंकि वो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कभी भी इतने हाई माउंटेंस हाई फोल्ड माउंटेन्स डेवलप नहीं कर पाएगा तो ये अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग जो भी जियोस इनक्लाइन है उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की आखिर में ये कैसे बन रहा है जस्ट लाइक like अगर कंपेरेटिव एनालिसिस किया जाए कन्वेक्शनल करंट से तो कन्वेक्शन करंट के पास अपने पास एक तरीका है उसके पास अपना एक रीज़न है कि जियोस इनक्लाइन डेवलप क्यों हो रहा है बट यहां पर कोई भी ऐसा रीज़न इनके पास नहीं था तो ये अगेन जो होता है एक ड्रॉबैक में ये खींच लिए गए थे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दिस इज अंगारा लैंड इन्होंने दिखाया हुआ है इस पूरे पैंगिया को अंगारा लैंड है सेकेंड साइड में आपको प्लेटो प्लेटू लैंड दिखेगा यहाँ पर आपको इंडो गंगट बेसिन दिखेगा दिस इज द सदन फोल्डेड मार्जिनल हिमालयाज़ हैं फिर यहाँ पर तिब्बतन प्लेटू है जो कि एक तरीके से मीडियम मास के ज़रिए जैसे है फिर यहां पर आपको नॉर्मल मार्जिनल कुल्लून शन माउंटेन्स मिल जाएंगे जो एक तरीके से यहां पर जो रैंक किट्टन है उसका एक टाइप हो गया और बीच में जो होती है जियोसिनक्लाइन है जो टैथिस सी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है तो टैथिस सी जब हुआ करती थी सबकी बात कर रहा है डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है अब हम लोग इतना ज़्यादा जो हैरल्ड जफरी के बारे में बात कर ही लिए हैं तो इनकी थ्योरीज भी देख लेते हैं देखिए दिस इज द हॉट अर्थ जो बहुत ज़्यादा गर्म है कूलिंग होगी इसकी लेयरिंग हो जाएगी लेयरिंग होने के कारण से अब क्या होगा अब ये जो सरफेस है वो छोड़ना शुरू कर देगा यानी पपड़ी यानी एक्सफोलिएशन होना शुरू हो जाएगा रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएगा एंड दिस रिंकल्स के कारण से यहाँ पर फोल्ड माउंटेन ये बनना शुरू हो जाएंगे दिस इज द एज सिंपल थ्योरी एज इट इज़ हेरल्ड जोफरी की थ्योरी थी फर्स्ट थ्योरी थी यहीं से पूरी की पूरी डिस्कशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फोल्ड माउंटेन ये स्टार्ट हुआ था तो दिस वॉज यू कैन से कि ये प्राइमरी थ्योरी है जहाँ से पूरी की पूरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट थ्योरी आती है डेली की थ्योरी डेली की थ्योरी दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट थ्योरी और इनफैक्ट इनका आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल ही गड़बड़ था इनको ज्योग्राफी फिर से फिर से पढ़ाना चाहिए था देखिए इन्होंने कहा कि देखिए फर्स्ट थिंग इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि देखिए एक तो ये स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी है इसका मतलब समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा इन्होंने बोला कि जो सियालिक मटेरियल होता है वो एक्चुअल में डेंस होता है एज कंपेयर टू सीमा मटेरियल अब बताइए इनका फंडामेंटल नहीं गड़बड़ा तो क्या है सेकेंड थिंग इन्होंने बोला कि जो सियालिक मटेरियल है अब वो ग्रेनाइट नहीं है दिस इज एक्चुअली द दिस इज एक्चुअली ग्लासी बसाल्ट ये ग्लासी बसाल्ट है और दूसरा वाला तो बसाल्ट है क्लियर यहां पर इन्होंने कहा कि देखिए जो हमारा ये पूरा का पूरा अर्थ सिस्टम है इस अर्थ सिस्टम को हम लोग दो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इस तरीके से उन्होंने तीन बेल्ट का नाम लिया एक जो नदन बेल्ट है दिस इज नदन पोलर बेल्ट ध्यान से समझिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो आपका बुक है जो मटेरियल है उसमें काफी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है सेकेंड है यह आपका सदर्न पोलर बेल्ट है पोलर बेल्ट दीज आर लैंड ठीक है ये लैंड मार्सेज सिमिलरली ऊपर वाली भी ये आपकी लैंड मास है और बीच में इक्वेटोरियल एरिया में दिस इज अगेन अ लैंडमार्स और यहां इन्होंने नाम दिया दिस इज इक्वेटोरियल डूम इक्वेटोरियल डूम अब ये जो बीच बीच में ये पड़ा हुआ है ये एक्चुअल में जियो है इनके हिसाब से ये जियो है यहां पर भी ये जियो है इसका नाम इन्होंने दिया था कि दिस इज एक्चुअली द टेथिस सी ये जो है वो टेथिस सी है या इसी को आप बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली दिस इज वॉट मिड लैटिट्यूड फोरोज दिस इज मिड लैटिट्यूड फरोज एफ यू डब्ल आर ओ डब्ल्यू एस सिमिलरली यहाँ पर जो नीचे है साउथ में है इन्होंने इसे कहा कि दिस इज प्राइमल पैसेफिक ओशियन या यू कैन से सिम्पली इट इज एज अ पैसेफिक डूम या फिर पैसेफिक ओशियन तो ये दोनों एक तरीके से क्या है जियो सिंक्लाइन है और यहाँ पर ऑब्वियसली सिस्टम जो बनेगी वो अगेन माउंटेन बिल्डिंग बनेगी ही बनेगी इन्होंने कहा कि देखिए अब इस फिगर में आ जाइए नाउ यहां पर इन्होंने देखिए दिख रहा होगा आपको कि ये एक फोरलैंड है दिस इज फोरलैंड यहां पर भी आपको एक फोरलैंड दिख रहा होगा या फिर आप इसको कंपेयर कर लीजिए यहां से कि ये एक तरीके से मान लेते हैं कि दिस इज नदन पोलर डूम सिमिलरली यहां पर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि दिस इज इक्विटोरियल डूम सपोज इक्विटोरियल डूम इन दोनों के बीच में आपको जियो इनक्लाइन दिख रहा होगा एंड दिस इज द पर नाम क्या हो गया दिस इज टेथिस सी या इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या मिड फेरोज क्लियर पर आपको दिख रहा होगा कि एक सरफेस इधर है एक सरफेस इधर है और दोनों ही सरफेस एक दूसरे से जब भी कोलाइड करेगा या फिर एक्स्ट्रा सेडिमेंट जाएगी इट विल ब्रेक बट द ब्रेकिंग ऑफ द रीजन इज नॉट द कोलिजन हियर क्योंकि अभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो आई नहीं है इन्होंने कहा कि देखिए ये जो प्लेट ब्रेक हुई है ये ब्रेक होने के पीछे कारण है यहां की जो रिवर है रिवर आगे बढ़ रही है रिवर आगे बढ़ने के साथ साथ अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर के जा रही है इस सेडिमेंट के इकट्ठा होने के कारण से यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रही है दिस इज एक्स्ट्रा प्रेशर रीजियन एंड दिस इज एक्स्ट्रा इज ड्यू टू द फोर्स एम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी उसके कारण से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा और एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने के कारण जो यहाँ पर ये यह फ्लैंक है या फिर यहाँ जो ये यह सरफेस है वो ब्रेक करके नीचे पहुँच गया है ब्रेक करके जब नीचे पहुँचेगा सीधी सी बात है यहाँ पर जो ग्लासी बसाल्ट विल फील मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्शन हीयर एंड बिकॉज ऑफ दिस मोर कंट्रेक्शन यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी तो ये पूरी की पूरी वो थ्योरी है जो स्लाइड करके मतलब दिस सरफेस हैज़ स्लाइडेड फ्रॉम द फ्लैंक और यहाँ से ये टूट करके नीचे चला गया एंड दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्शन हैज़ स्टार्टेड एंड इट दिस कॉन्ट्रैक्शन विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स जो कि डेली ने बात किया था लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो हालांकि बहुत ज़्यादा है फर्स्ट थिंग इनका जो फंडामेंटल था वही गड़बड़ था कि सियालिक मटेरियल इज डेंसर्ड एंड सीमा मटेरियल दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट वर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इन्होंने बोला कि जो जियोसनक्लाइन होती है केवल यहीं पर बनना चाहिए यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही केवल माउंटेन मिलना चाहिए और हमें केवल इन्हीं दोनों एरियाज में ही माउंटेन मिलना चाहिए जो कि अगेन अपने आप में एक रॉन्ग फैक्ट है थर्ड थिंग जो टूटने की जो रीजन है वो भी एक अपने आप में वर्स्ट रीजन है क्योंकि कभी भी कोई सेडिमेंट इस तरीके से ब्रेकिंग ऑफ द फ्लैंक नहीं कर सकता है फ्लैंक के टूटने के कारण से फिर अल्टीमेटली ये सिस्टम जो कंप्रेशन है वो स्टार्ट होगी दिस इज अगेन रॉन्ग फैक्ट दिस इज अगेन ए प्रॉब्लमैटिक थिंग तो डेली की थ्यूरी में कई सारी खामियां थी कई सारी प्रॉब्लम थी और इसी के कारण से फिर आगे एक थ्यूरी आती है रेडियो एक्टिविटी थ्यूरी ऑफ जॉली जॉली ने क्या कहा जॉली ने कहा कि देखिए देयर आर समेक्शन करेंट्स लेकिन कन्वेक्शन करेंट का इन्होंने नाम नहीं लिया था इन्होंने कहा कि देखिए देअर आर सम रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द अर्थस इंटीरियर यानी कि ये जो अर्थ का इंटीरियर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ऑब्वियसली इनके पास में काफी ज्यादा एनर्जी है एनर्जी होने के कारण से यहाँ पर ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं ये लगातार मेल्ट कर रहे हैं और रिसॉलिडिफाई हो रहे हैं यानी इनकी मेल्टिंग हो रही है और साथ ही साथ री सॉलिडिफिकेशन हो रही है मेल्टिंग होगी सीधी सी बात है एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर लेकर के आएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर के बाद जब ये रिसॉलिडिफिकेशन होगा तो ऊपर रिंकल्स जमना शुरू हो जाएंगे एंड दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन विल स्टार्ट थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा जिनविनिटी थी काफ़ी हद तक इन्होंने सही चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की थी बट वाट टाइप ऑफ ओल्ड माउंटेन इट विल फॉर्म या फिर कहाँ बनेगा क्या रीज़न है रेडियो एक्टिव मटेरियल जो इंटीरियर में अगर हैं तो उसका इफेक्ट कहां तक जाएगा यह सब एक्सप्लेन नहीं किया गया था लेकिन इस थ्योरी का यूज किया गया हमारे ऑथर होम के द्वारा इन्होंने कहा कि देखिए देयर आर कन्वेक्शन करेंट्स देयर आर आर एक्चुअली कन्वेक्शन करेंट्स इनसाइड द अर्थ सरफेस या बिनिथ द अर्थ सरफेस और यही कन्वेक्शन करंट अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे सिस्टम को फोल्ड माउंटेन को बना रहा है जब इनसे पूछा गया कि आखिर में रीजन क्या है तो उन्होंने कहा कि जो जॉली ने रीजन बताया है वो करेक्ट है रेडियो एक्टिव मटेरियल ही है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो रही है कन्वेक्शन करंट या तो कन्वर्ज हो रही होगी या फिर डाइवर्ज हो रही होगी लेकिन इन बोथ द कंडीशंस जियो सन्क्लाइन तो बनेगा ही बनेगा और इस कन्वेक्शन के जो भी कन्वेक्ट हो रही हैं जहां पर भी डिप्रेशन बन रहा है इट विल अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन बिकॉज जो कन्वेक्शन करेंट्स अभी ऊपर उठी हैं इट विल कम अगेन एंड इट विल रीफॉर्म या फिर कह सकते हैं इट विल रीशेप द जियो एंड बिकॉज ऑफ द साइकलिक नेचर ऑफ द कन्वेक्शन करेंट इट विल गिव एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा फोर्स एक्स्ट्रा टेंजेंशियल एंड कंप्रेशन फोर्स विच विल अल्टीमेटली लीड टू the फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स तो आर्थर होम की जो थ्यूरी थी वो काफी हद तक कई चीजों को एक्सप्लेन कर दिया लेकिन अगेन यहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स थी क्योंकि अभी कॉन्टिनेंटल मार्जिन अलोंग द कॉन्टेनेट विद इन द कॉन्टिनेंट कहां लोकेशन होगी ये सब चीजें डिस्कस नहीं हो पाई थी ये चीजें यहां पर नहीं बताई गई थी और लेकिन इन सारी थ्योरीज के बेसिस पे प्लस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपको पता होगा कि इन सब थ्योरी को हेल्प लेकर के फिर अल्टीमेटली प्लेट टिक्टॉनिक थ्योरी मॉर्गन साहब के द्वारा फिर अल्टीमेटली बताई गई थी और ये जो थ्योरी थी इस थ्योरी ने काफ़ी हद तक फिनॉमिनाज को एक्सप्लेन करने में सफलता हासिल किया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो इसके बारे में वापस से डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है तो आपको ये पूरी की पूरी बेसिक्स इसके बारे में जो कुछ भी है वो सारी आपको पता होंगी एक चीज केवल यहां पर आप जान रखिएगा कि ये विल्सनस साइकिल है दिस विल्सन साइकिल इज एक्चुअली द पर्सन ये वो आदमी है ये वो पर्सन है ये वो जोग्राफर है जिन्होंने ये पूरी लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में बताया था लिथोस्फेरिक प्लेट और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है ये अगेन सर्कुलर है या फिर साइक्लिक है यानी कि वोल्केनिक एलिमेंट से यहाँ पर नया लैंडफॉर्म बनेगा ये लैंडफॉर्म अल्टीमेटली या तो ओशियनिक प्लेट बना रहा होगा या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट बना रहा होगा ये ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल कही प्लेट कहीं ना कहीं कोलाइड कर रहा होगा या फिर या तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री में आ रहा होगा या फिर ये डाइवर्जेंट बाउंड्री में आ रहा होगा एंड विल इट विल अगेन गो बिनीथ दहाँ से भी आएगा ये बीनी द सरफेस जाएगा और जहाँ पर फिर से ये इरप्शन करेगा तो एक तरीके से क्या हो गया दिस इज अलिक साइक्लिक फिनोमिना यहां पर ये इस तरीके से लिथोसफियर वगैरह बनते आएगा और यही पूरा का पूरा विल्सन साइकिल है तो आई गस आप लोगों को ये पूरी की पूरी आज की जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स है जितनी भी हम लोगों ने डिस्कशन किया वो समझ में आ गया होगा कुछ क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वन क्वेश्चन इज आउट ऑफ जियो सिंक्लाइंस हैव कम आउट द माउंटेन और जियो सिंक्लाइन हैव बीन क्रैडल्स ऑफ माउंटेन डिस्कस 300 वर्ड में आपको आंसर लिखना है जो भी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं आप लोगों को उसके बेसिस पे ही लिखिएगा मैप्स को इंक्लूड करिएगा फ्लो चार्ट को इंक्लूड करिएगा अपने हिसाब से जो भी आप लिख सकते हैं लिखिएगा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं इसके अलावा अपने आंसर्स को भी आप ई करिएगा रिकोगशन आइज पर आपके फीडबैक और इवेल्युएटेड शीट आपको वापस से सेंड कर दी जाएगी इफ यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑब्वियसली रीचस बाय यूजिंग दीज सोसेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच